गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर यू फाइन एंड सेफ। माई सेल्फ योर कंप्यूटर टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अ कंप्यूटर सब्जेक्ट। इन कंप्यूटर सब्जेक्ट आई विल टीच लेसन 4। आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगी चिल्ड्रन? आज मैं आप लोग को लेसन 4 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोग को पढ़ाया था, सारे चिल्ड्रन ने अच्छे से लर्न किया और उसको पढ़ा, सब लोग ने पढ़ लिया, वेरी गुड। आज मैं आप लोग को सेकेंड पार्ट पढ़ाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट पढ़ना। पेज नंबर, अब आप लोग पेज नंबर 36 ओपन करिए। 36 पेज नंबर ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो सारे चिल्ड्रन ने पेज नंबर 36 ओपन कर लिया, वेरी गुड। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाउ टू होल्ड अ माउस प्रॉपरली। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि माउस को कैसे, कौन से तरीके से अपने हाथों में पकड़ा जाता है। लेट अस लर्न हाउ टू होल्ड अ माउस नाउ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं कि माउस को कैसे अपने हाथों में पकड़ा जाता है। रिमेम्बर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्लेस अवर फिंगर्स प्रॉपरली ऑन द माउस व्हाइल यूजिंग इट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है, ये चीज आप लोग याद रखिए, जब भी हम लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं तो अपने फिंगर्स को एकदम प्रॉपरली माउस के ऊपर रखना है, जब भी हम लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं। ओके चिल्ड्रन, फॉलो द गिवन स्टेप व्हाइल होल्डिंग अ माउस। यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हैं, उसको हमें क्या करना है? फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है? प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंडेक्स फिंगर को आप लोग को कहाँ रखना है? लेफ्ट माउस बटन पे। मैंने आप लोग को लेफ्ट बटन, राइट बटन और मिडिल बटन के बारे में पढ़ाया है ना, और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और सारे फिंगर्स के बारे में पढ़ाया है ना, आप लोग ने पढ़ा है ना, तो उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन। इंडेक्स फिंगर को कहाँ प्लेस करना है? लेफ्ट माउस बटन पे। सेकेंड स्टेप पे बोल रहा है, प्लेस योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन। मिडिल फिंगर को आप लोग को कहाँ पे प्लेस करना है? राइट माउस बटन पे प्लेस करना, मतलब रखना है। इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट माउस बटन पे, मिडिल फिंगर को राइट माउस बटन पे क्या करना है? रखना है। समझ में आया? जब भी हम लोग क्या करेंगे? माउस का इस्तेमाल करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थर्ड स्टेप में बोल रहा है, प्लेस योर प्लम ऑन द माउस एंड होल्ड इट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अपने प्लम मतलब अपनी हथेली को कहाँ रखना है? माउस के ऊपर रखना है, जब हम लोग माउस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऐसे करके उसको क्या करना है? पकड़ना है। आप लोग के घर में अगर माउस होगा तो आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर बना हुआ है ना, होल्ड करके आप लोग को दिखा रहे हैं ना कि कैसे पकड़ा जाता है। इंडेक्स फिंगर रखा है, यहाँ पे मिडिल फिंगर रखा है और अपने प्लम मतलब अपने हथेली को ऐसे करके माउस को पकड़ा हुआ है। समझ में आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। यूजिंग द माउस बटन्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? माउस बटन्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसको कैसे यूज किया जाता है। सिंगल लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिंगल लेफ्ट क्लिक। सिंगल मतलब क्या होता है? एक बार। कौन से बटन को क्लिक करना है? लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। समझ में आया? प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड लीविंग इट क्विकली इज कॉल्ड अ सिंगल लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि लेफ्ट माउस बटन को एक बार क्या करना है? प्रेस करना है, मतलब दबाना है और उसको एक बार की छोड़ देना, मतलब लीव कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? सिंगल लेफ्ट क्लिक बोलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? यू विल हेयर ओनली वन क्लिक साउंड। यहाँ पे जब आप लोग इस तरीके का प्रोसेस करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ देंगे, तो आप लोग को क्या सुनाई देगा? आप लोग को वन क्लिक की आवाज सुनाई देगी, क्लिक नाम से। समझ में आया? जैसे कि ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग को कहाँ पे प्रेस करना है? लेफ्ट क्लिक करना है। समझ में आया? सेकंड है डबल क्लिक। डबल क्लिक मतलब होता है दो बार बटन को प्रेस करना है। समझ में आया? प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस एंड लीविंग इट क्विकली इज कॉल्ड डबल लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि लेफ्ट माउस बटन को दो बार क्लिक करेंगे और एक बार ये छोड़ देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डबल लेफ्ट क्लिक। यू विल हेयर टू क्लिक साउंड वन आफ्टर अनदर। जब आप लोग ये प्रोसेस करेंगे तो आप लोग को क्या सुनाई देगा? आप लोग को एक के बाद एक दो बार क्लिक क्लिक करके साउंड सुनाई देगी। ओके चिल्ड्रन, दिस इज यूज टू ओपन अ फाइल और अ फोल्डर। ये चीज किस लिए काम आती है चिल्ड्रन? डबल क्लिक हमेशा फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए काम में आता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है सिंगल राइट क्लिक। सिंगल राइट क्लिक का मतलब क्या होता है, एक बार राइट क्लिक करना है, मतलब राइट माउस बटन पे क्लिक करना है। प्रेसिंग द राइट माउस बटन वंस एंड लीविंग इट क्विकली इज कॉल्ड सिंगल राइट क्लिक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है राइट माउस बटन को एक बार प्रेस करके मतलब दबा के उसको एक बार ही छोड़ देना हम लोग का क्या कहलाता है, सिंगल राइट क्लिक। ओके चिल्ड्रेन, इट इज यूज टू ओपन अ मेन्यू। ये हम लोग के किसके काम आता है, सिंगल राइट क्लिक हम लोग के मेन्यू को ओपन करने में काम में आता है। ओके, मेन्यू इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन रिलेटिंग टू अ फाइल। मेन्यू क्या है चिल्ड्रेन, मेन्यू रिलेटेड किससे है, फाइल से रिलेटेड होता है। ओके चिल्ड्रेन, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक पिक्चर बना हुआ है ना, आपको क्लिक करना है राइट माउस बटन पे, समझ में आया। नेक्स्ट है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब क्या होता है चिल्ड्रेन, ड्रैगिंग का मतलब होता है माउस को पकड़ के खींचना, समझ में आया। कीपिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस प्रेस्ड एंड मूविंग द माउस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेफ्ट बटन माउस को क्या करना है, पहले प्रेस करना है, फिर प्रेस करने के बाद क्या करना है, इधर उधर मूव करना है। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं चिल्ड्रेन, ये प्रोसेस को हम लोग ड्रैगिंग बोलते हैं। ओके, इट इज यूज टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ फाइल्स। ड्रैगिंग क्या करती है चिल्ड्रेन, ड्रैगिंग हमारे फाइल्स के रेंज को सेलेक्ट करती है। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर बनी है ना, क्या करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद उसको इधर उधर मूव करना या फिर खींचना है ऊपर नीचे, ये प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं चिल्ड्रेन, ड्रैगिंग बोलते हैं। ये हमारे किसके काम में आती है, ये हमारे फाइल्स के रेंज को सेलेक्ट करने में काम में आता है। नेक्स्ट है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रॉलिंग का मतलब होता है माउस में लेफ्ट बटन और राइट बटन के बीचों बीच एक व्हील दी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉल। उससे हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, मतलब व्हील को जब हम लोग ऊपर नीचे करते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉलिंग। ओके, द स्क्रॉल व्हील इज यूज टू गो अप एंड डाउन द विंडो स्क्रीन। स्क्रॉल व्हील हमारे किस काम में आता है चिल्ड्रेन, स्क्रॉल व्हील हमारे विंडो को अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे करने में काम में आता है। ओके, टू गो अप रोल द व्हील अप एंड टू गो डाउन रोल द व्हील डाउन। जब आप लोग को ऊपर जाना तो हम लोग को व्हील को क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, जब हम लोग को नीचे आना है तो हम लोग को नीचे की तरफ व्हील को स्क्रॉल करना है। ओके, दिस इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं चिल्ड्रेन, ये प्रोसेस को हम लोग स्क्रॉलिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर बना हुआ है ना, ये बीच में एक व्हील दी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉलिंग। जब उस व्हील को हम लोग ऊपर की तरफ ले जाते हैं और नीचे की तरफ ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉलिंग बोलते हैं। ओके चिल्ड्रेन, ये चैप्टर चिल्ड्रेन आप लोग का यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है। लेसन 4 आज आप लोग का कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुका है। लेसन 4 को आप लोग को फिर से एक बार पढ़ना है, समझना है अपने मम्मी पापा की हेल्प लेके। फिर जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब हम आप लोग को इस लेसन की एक्सरसाइज कराएंगे। ओके चिल्ड्रेन, तब तक आप लोग लेसन 4 अच्छे से पढ़िए, समझिए कि माउस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम, क्लास, सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। क्योंकि जब तक आप लोग अपना नेम, क्लास, सेक्शन नहीं मेंशन करेंगे तब तक आप लोग की अटेंडेंस नहीं लगेगी। ओके, और जितनी भी चीजें हम आप लोग को पढ़ाते हैं उसको आप लोग भी घर में पढ़ा करिए। जब तक आप लोग उसको घर में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग को वो चीजें याद नहीं रहेगी। तो सारे चिल्ड्रेन पढ़ेंगे ना, वेरी गुड। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।